अबे नंबर क्या दे रहा है, जो खाया उसका बिल भर। नाइस लुकिंग आमिर, क्या क्या आया इंग्लिश में? पांक। वैसे जलता तो है मुझसे ही। हाँ यार मैं बता दूंगा ये क्या क्या गया तो यार लड़ाई हो जाएगी यार। ना ना तू बता यार कैसी बातें कर रही है। देख यार मेरा नाम मत लिए। सही है। देख नाइस मतलब फैमिली। अच्छा। और लुकिंग मतलब सुअरों से भरी पड़ी है। तुम्हारी फैमिली सुअरों से भरी पड़ी है। अच्छा तो आज देख इसका कैसा बसरा मिटानता हूँ। मेरा नाम मत लिए भैया। देख 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 भाई 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 ये वही जगह है ना जहाँ पे अपन आए थे पिछली बार। और इस एरिया से आने के बाद अपन इधर मुड़े थे राइट से। तो देख मुड़ने अरे ऊपर क्या कर रहा है? उतर उतर मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। कैसे? क्योंकि बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि इसकी बीवी सिखा रही है। अरे दादा बच के सारा सारा शैतानिया मेरी ओ लेडीज। कैसे हो? अरे वाह मोदी जी ये क्या पूछ लिया, कैसे हो? मैं तो नूरा फतेह का डांस देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ऐसा नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो मोदी जी, ये बता जो मैं यहाँ शौचालय में बंद हूँ ये बात कहीं बाहर फैल तो नहीं रही है ना? फैल रहा है। फैल रहा है कहाँ तक फैल गया है मोदी जी? विश्व भर में। विश्व भर में? भारत में भी। तो मोदी जी अब आपने आगे क्या सोचा है, इस बात को यही दबाना है या आगे बढ़ाना है? अब आगे कैसे बढ़े? अरे मोदी जी अब तो विश्व भर में फैला दी है बात, अब क्या चांद तक पहुंचाओगे? इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। तो क्या सुझाव दिया राज्यों ने कि यहीं जिंदगी भर मुझे बंद करके रखना है? हर किसी का यही सुझाव आता है। भगवान पहली बार सुना होगा कि हंसता हुआ इंसान फेमस हुआ है। कई राज्य तो पहले से ही फैसला कर चुके हैं। हाँ फैसला कर चुके हैं कि आजीवन काली से संडास नहीं बंद करो। एक बार हक क्या लिया पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। पापा आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा रिस्क उठा सकते हो? अबे पगली मैंने तो अगले जन्म में भी सेम बीबी मांगी है। कुछ ज्यादा रिस्क नहीं उठा लिया? सुनो। हाँ जी। कल लॉकडाउन खत्म होते ही अपनी ये मूछे कटवा के आना, किस लेते हुए बाल मुंह में आते हैं यार। सही बोल रहे हो साहब, कल मैडम को यही बात मैं भी बोल रहा था। पागल लड़की कितनी महंगी गाड़ी है, स्टैंड तोड़ेगी क्या मेरा? हट दफर। नो 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 नो। सलोनी। हाँ? तेरी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर ने बोला तुझे ब्रेन कैंसर है। क्या बात है गज्जू, तूने तीन बच्चों की विधवा माँ से शादी कर ली और तेरे खुद के तीन बच्चे पहले के हैं और अब तुम दोनों के मिलके तीन बच्चे और हो गए, टोटल नौ बच्चे, क्या बात है। सुनो जी जल्दी घर चलो। क्यों क्या हुआ? मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलके हमारे बच्चे को मार रहे हैं। अरे भाई भाई सुनने में आया तेरी शादी फिक्स हो गई? हाँ भाई।
तो भाई पूरी तैयारियां होगी होंगी? हाँ, दोनों सिम निकाल के नारे में फेंक दिए, फोन भी फॉरवर्ड मार दिया, फेसबुक भी बंद कर दिया, बस तू अपना मुंह बंद रख। अरे वीर भाई, तू लड़की बहुत जल्दी बटा लेता है यार, हमको भी कोई ट्रिक बताना। अबे कुछ नहीं, बस प्यार से गाल पे हाथ फेरना, लड़की यूं बढ़ जाएगी। पर भाई, किसी अनजान लड़की को अगर अपन ने ऐसा करा तो वो पिटाई कर देगी। एक काम करते, अपन अपनी बीवी पे ट्राई करते। हाँ यार, है ना? राणा जी माफ करना। ए भाई। हाँ भाई। तू को कभी भी अपना ऊपर गर्व महसूस हुआ है? हाँ भाई, एक बार हुआ था। कब भाई, बता ना बता ना। ये उन दिनों की बात है जब हम स्कूल में थे। अच्छा। साला परीक्षा हॉल में बैठल थे, कुछ नहीं आ रहा था। मकैया में राजा जी वाला गनवा लिख रहे थे। अब बेटा मैडम पीछे से आवाज मारी ना कि रे आगे देख, पीछे वाला तेरा झांक रहा कॉपी में। माँ काली, उस दिन बेटा एकदम गर्व से सिनेमा चौड़ा हो गया था साला। और नूर, क्या हाल है? हाल बताकर भी क्या करना है, एक दिन तो मर ही जाना है। तू आज एग्जाम देने नहीं गई क्या? एग्जाम देकर भी क्या करना है, एक दिन तो मर ही जाना है। कुछ खाया तूने या नहीं? खा कर भी क्या करना है, एक दिन तो मर ही जाना है। तुझे पता है आज मैं ना मार्केट गया था और तेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या लाया? दे दे। देकर भी क्या करना है, एक दिन तो मर ही जाना है ना। एटीएम से पैसे निकालकर वहीं पर गिनने वालों से मेरा एक मासूम सा सवाल है। मान लो पैसे कम निकले हो तो क्या उखाड़ लोगे तुम? काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और हम दोनों के बीच में जो आया ना, तो लाशे भी साधू है लाशे। अरे सन्नी देवल क्या हो गया भाई साहब इसको? सरदार जब किसी दुश्मन की कॉलर पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती है। अरे सन्नी देवल लाशे भी साधू है। अरे कहाँ जा रहा भाई, टोक दिया लेली पड़ी लकड़ी, तुम्हें छेड़ने जरूर। अब हम जाई ना रे, ले ले, अब हम जाई ना रे, ले ले, हम जाई ना रे, ले ले। आयो रे मां। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा छोटू मुझसे शादी करेगा, मेरा बच्चा। ये प्रपोज कर रही है, इसे गोद ले रही है। मैं आपको दो तीन दिन से नोटिस कर रही हूँ, आई लव यू। ये प्यार व्यार सब झोल है, प्यार करना है ना तो प्रकृति से करो, जीव जंतुओं से करो, पंछियों से करो, और ये मंत्र लो, इसका रोज सुबह जाप करो, सब मनोकामना पूरी होगी। अरे पागल, मरवाएगी क्या? पीछे मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, ये ले मेरा नंबर, रात में कॉल कर, आराम से बात करेंगे मेरी जान। यार बहुत तेज आ रही है यार। अरे यार, आप घर कैसे आएंगे, बारिश आ रही है यार। हाँ यार भाई, अगर मैं बारिश में ढीला हो गया ना तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगे, सबको ही डांट पड़ेगी घर पर तो यार। क्या मुझे भी देख रहे हो? अरे हम बिक जाएंगे सीधा। अरे चोर यार। अरे चुप रहे, हम बिक जाएंगे। अरे बिक जाएंगे यार, यार इन मच्छरों का क्या इलाज है, रात भर नहीं सोने देते। कुछ नहीं, बस सोने से पहले ना एक तो मच्छर मार दे, फिर सारे मच्छर ना उसकी मुहियत में चले जाएंगे। तू मुंह बंद रखा कर अपना। अरे यार भाई साहब, एक किक मार देते। अच्छा अच्छा अच्छा। पागल है क्या भैया, आपने तो बोला किक मार देते। अबे स्कूटी में किक मार देता भाई। नो, 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 मार दूंगा। हाँ मार।